दोस्तों मैंने इंडक्टर को ऑयल वेंडिंग करके डाल दिया है, ठीक है। एक मॉस्फेट भी चेंज किए, सेम मॉस्फेट तो नहीं मिला, इस टाइप का था, तो इसके जगह पे हम बड़ा मॉस्फेट डाले हैं, ठीक है, 40N60। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी डाल सकते हैं 50N65, ऐसा मॉस्फेट नहीं मिले तो, ठीक है। तीन मॉस्फेट रहता है इसमें इंडक्टर कॉल। इसको पहले बैटरी लेंथ, जब तक मैं बैटरी लेंथ देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मैंने बैटरी लेंथ दिया, ये शो करेगा। इसके बाद हम लोग सीरीज लेने के लिए देखेंगे क्या होता है। ये दे दिया लेंथ मैंने, ये क्या होता है। अच्छा, चार्जिंग ले लिया, फैन ऑन, ट्रिप कर जा रहा हूँ, मतलब ये नहीं चलेगा इससे, इसको डायरेक्ट में देना है। ये चार्जिंग ऑन हो गया है, ये रहा इन पर। मेरा बैटरी थोड़ा ख़राब है फ्रेंड, इस कारण से ये देखिए बैटरी डाउन करके चार्ज में डाले हैं। इंडक्टर कॉइल भी अब हीट नहीं हो रहा बहुत। एक आदमी कमेंट किया कि इंडक्टर बार बार जल रहा है, तो इंडक्टर जलने का कारण देखिए, एक डायोड आप लोगों को नज़र दे रहा है यहाँ पर, है ना। ये डायोड चेंज कीजिए, ऑटो कॉपलर को चेक कीजिए, ठीक है, फीडबैक प्रॉब्लम देगा आपका। बस इंडक्टर मतलब ये यहाँ से किसी चीज़ को मतलब कॉल आप लोग कैसे समझाएं, जैसे ये इंडक्टर एक डीसी लाइन में होता है, ठीक है, एक्जिम चार्जर में डीसी में, ना तो ये इंडक्टर दिया हुआ मॉस्फेट पास, ठीक है, ये से है ना, ये इसके ड्रेन से दिया हुआ, इस पर ड्रेन पे करंट जाता है, ठीक है। यहाँ से मतलब बीच में इंडक्टर दिया हुआ है, ये इंडक्टर जो बीच में है मॉस्फेट ड्रेन के पास। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक ज़रूर किया करो, देखने से ज़्यादा बहुत कम लोग हैं सब्सक्राइबर मेरा, वीडियो देखने वाले अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही प्राइवेट वीडियो हम डालेंगे, जो मेरा सब्सक्राइबर है वही देख सकता है, ठीक है फ्रेंड। और ये अभी चार्ज हो रहा है, ये देखिए चार्जिंग ले लिया एम्पियर। कुछ भी हो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कर ले, या व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। एक UTL का चार्जर का डिस्प्ले गड़बड़ आया है, वो भी अपना एक UP में फ्रेंड है उससे मंगवा रहे हैं, वो बिहार मेरा स्टेट है, ठीक है। यही बैटरी में चार्ज कर रहा, और ये चार्जर को थोड़ा काम करें तो सावधानी से करें, क्योंकि इसमें बहुत सा फंक्शन अलग अलग टाइप का है, ठीक है फ्रेंड। आप काटते हैं ले, मॉस्फेट चेक करेंगे, नॉर्मल ही गर्म हुआ है, ये भी नहीं गर्म है, इंडक्टर भी कोई गर्म नहीं, हल्का सा गर्म होगा फ्रेंड, ये हल्का सा गर्म है, नॉर्मल गर्म हो रहा, ठीक है। मगर ये कभी प्रॉब्लम हो इसमें और नज़र दिया, ये बॉल क्यों नहीं भर रहा है, इसका भी ये बॉल का बहुत बड़ा गेम है इस चार्जर में, ठीक है। इसमें हर एक पर्स का इसका देखिए, पहला चीज़ तो ये दो को काट दिया है, ठीक है। ये एक तरह से समझ लीजिए प्रोग्रामिंग ऐसी है, ये आपका ठीक है काम करता है, मतलब इसको ऑन ऑफ यही बोर्ड करवा रहा है, ठीक है। ये मॉस्फेट के लिए है, स्विचिंग के लिए, पल्स वगैरह इसी से दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें तीन मॉस्फेट है, ये देखिए ये दो छोटा छोटा है, ये भी मॉस्फेट है, ठीक है। इसके जगह पर हम बड़ा मॉस्फेट डाले हैं यहाँ पर, ये देखिए है ना, ये बड़ा मॉस्फेट डाले हम, ठीक है फ्रेंड। और इसमें तो कुछ ज़्यादा फॉल्ट है, बस ज़्यादा सावधानी, सिर्फ आपको ये कार्ड का रखना है सेफ, ठीक है। ये दोनों कार्ड डैमेज हो जाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको एक्जूम चार्जर के से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का बाईपास कर देते हैं, इसमें थोड़ा लफड़ा करता है, ठीक है फ्रेंड, इसलिए सावधानी से इसका काम करें। और बहुत सा आधा घंटा चलने के बाद मॉस्फेट उड़ रहा है, तो उसका इस ट्रांजिस्टर को चेक करें, ठीक है। नया होता है ट्रांजिस्टर चेंज ही कर दे, लीक वगैरह हो जाता है मॉस्फेट। अगर जिस साइड का उड़ रहा है, इधर का मॉस्फेट बार बार उड़ रहा है, तो
तो हम यहाँ देखेंगे पीएफए वो ब्लू कलर का जो है वो भी ख़राब होने के कारण बार बार मॉस्फेट उड़ता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, और कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।